हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको अपने बगिया में लगी हुई लाल रंग की गोल गोल मूलियां। तो ये मूलियां जो आप अभी देखोगे, इसमें मैं इसमें से उखाड़ूंगा। देखिए हल्के हल्के आपको यहां पर नज़र आ रही हैं। ये हमने जो है अक्टूबर, ये हमने मध्य अक्टूबर में लगाई थी और आज तारीख हो गई है 9 दिसंबर। तो और इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी जो मूलियाँ हैं वो फटने लगी हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों ना सभी को उखाड़ लिया जाए। जो इसके पत्ते हैं उनकी भुजिया बनाएंगे और जो मूली है उसकी भी भुजिया ही बनेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मूलियों को उखाड़ते हैं। और मूली की जो फसल है इसकी कटाई नहीं होती, मूली को सीधा मूली के साथ ही उखाड़ा जाता है। और अगर मिट्टी थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है तो पहले मिट्टी को गीला करते हैं और फिर सीधा इसको उखाड़ते ही हैं। तो चलिए दोस्तों उखाड़ते हैं मूलियों को। ये लो, ये उखड़ गई, थोड़ी पूंछ जैसी लग रही है इसमें पीछे। चलिए दोस्तों और उखाड़ते हैं इधर से। एक ये यहाँ पर, ये देखो ये रही काफ़ी छोटी छोटी हैं। पता नहीं क्यों ये छोटे होने के, इतने छोटे मैंने देखा, काफ़ी सारी बड़ी हो जाती हैं ये तो, लेकिन ये छोटे भी फटने लगी हैं। चलिए इसको भी उखाड़ते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छी लग रही है तो देखने में भी। देखिए इसको भी उखाड़ लेते हैं यहाँ से। और एक ये रही, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं टाइम से पहले उखाड़ रहा हूँ, लेकिन भाई कोई बात नहीं, इसके जो पत्ते हैं उसकी तो भुजिया बनना तय है। चलिए यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पर भी बनी गई है ये रही, देखो। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि इनको जो है उखाड़ा जाए। ये देखिए थोड़ा सा फट गया है पूरा बीच में से, काफ़ी छोटी है ये तो। शायद अंदर होंगी इसके काफ़ी, हाँ ये अंदर है इसमें। इसको उखाड़ते हैं यहाँ से, ये देखिए। देखो यही वजह है कि मैंने इनको उखाड़ने का सोचा है सबसे पहले। फट गई है, सड़ भी गई है शायद ये तो अंदर से। एक ये तो ठीक ही लग रही है कि ये रही। काफ़ी गहरी है भाई, वाह क्या शेप है इसकी तो भाई। एक इधर है, शायद मुझे ये फसल को उगाने नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इसको उगाया है और काफ़ी घनी मैंने उगा दी थी, तो इसकी वजह से इसमें जो है ठीक से मूली जो है बन नहीं पाई। अगर मैं इसको काफ़ी एक एक फुट पे अगर एक एक दाने को रखता तो शायद काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलता, लेकिन फिर भी ये तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ही है भाई। चलिए दोस्तों एक यहाँ पर लगी हुई है मूली, देखिए ये है मूली जानदार तो भाई, वाह भाई वाह। और भी हैं क्या इसमें, इधर भी हैं कुछ कुछ, ये भी आ गई है मूली। भाई आज की सब्जी का इंतज़ाम तो हो गया, आज शाम को तो भाई मूली की भुजिया ही बनने वाली है। और भी कहीं लगी है क्या इसमें, अब तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आ रही है, ये थोड़ी बड़ी है, इसको उखाड़ते हैं। देखिए भाई एक इधर भी है, देखिए क्या बढ़िया लाल रंग है इसका। पूरा कटोरा मेरा भर गया है भाई, ऐसा लग रहा है पड़ोसियों को भी देनी पड़ेगी मूली की सब्जी तो। ये तो पूरी खोखला हो गई भाई अंदर से, देखो फट गई और फिर ये अंदर से पूरी खोखला हो गई है। यही वजह है मेरी इस मूलियों को टाइम से पहले उखाड़ने की।
चलिए अब दो चार छोड़ दिए हैं, इनको बाद में उखाड़ेंगे, ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी वरना आज रात के लिए। तो चल दोस्तों, इसमें अब जो है हम लोग इसमें इस मूली को धोएंगे। ऐसा है क्या उसका टेस्ट वैसा ही है जो मार्केट में आने वाली जो वाइट कलर की लंबी लंबी मूलियाँ आती हैं, क्या उसका टेस्ट वैसा ही है? तो चलिए दोस्तों एक मूली को धोते हैं और चुकंदर से मैं इसके शेप को कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। भाई चुकंदर जैसा लग रहा है लेकिन चुकंदर नहीं है ये, ये है आपकी लाल रंग की गोल मूली। तो दोस्तों अभी हमने जो अपनी रेड रेडिस जो है छोटी सी क्यारी में हमने उगा रखी है, वहाँ से अभी इनको उखाड़ा है हमने, और ये मैं अपने किचन से लेके आया हूँ चुकंदर। तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि तूने क्या शलगम उगा लिए क्या? तो देखो भाई ये मूली ही है और ये है हमारे हाथ में चुकंदर, ठीक है। और ये जो आप इसका रेड कलर देख रहे हो, हम ये चेक करेंगे इसके अंदर भी रेड होता है या सिर्फ बाहरी बाहर है। भाई चुकंदर के बारे में तो हमें पता है कि भाई ये जितना डार्क रेड आप देख रहे हो, डार्क पिंक, ये अंदर तक रेड का रेड ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको काटूंगा, देखूंगा इसका अंदर से कलर कैसा है और देखूंगा इसका टेस्ट वैसा ही है जैसे बाज़ार में आती है वाइट वाली मूली। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं और देखते हैं इसका कलर अंदर भी रेडी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए भाई पहली बार में मुझे दिख गया कि भाई ये जो रेड कलर है सिर्फ बाहरी बार है, भाई ये मूली बिल्कुल ही वैसी दिख रही है अंदर से जैसे कि मार्केट में आती है वाइट वाली मूली। तो इसका टेस्ट देखते हैं, भाई टेस्ट भी वैसा ही है जैसा मार्केट में मूली आती है। भाई तीखापन बिल्कुल भी वैसा ही है जैसा मार्केट में आने वाली वाइट वाली मूली का है। तो भाई इस मूली को खा के मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम अपने स्कूल जाते थे बाहर जो वाइट मूली और उसमें जो धनिया की चटनी लगा के देते हैं भाई, हमें बड़ा टेस्ट आता है। और अगर आपने भी मूली को अगर चटनी के साथ खाया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, भाई मज़ा आ रहा है इसको खाने में। भाई अगर घर की अगर मूली उगी हो और उसका टेस्ट अगर आपको मिले तो भाई कहने ही क्या, बहुत बढ़िया। तीखापन बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि मैं रेड मूली खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं वही मूली खा रहा हूँ जो नॉर्मल हमारे घर में आती है। भाई वाह, अंदर पूरा वाइट है, सिर्फ बाहर ही बाहर जैसे नहीं सर्कमफेरेंस पर ही सिर्फ आपको नज़र आ रहा है रेड। तो दोस्तों जिस कलर का आपको ये रेड रेड नज़र आ रहा है, इसी कलर का आपको एक नीचे बटन नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।